हैप्पी गुरुपर्व। आज गुरुपर्व है इसीलिए आज मैं गुरुद्वारे वाला कड़ा प्रसाद, जिसे हम आटे का हलवा भी कहते हैं, वो बनाने वाली हूँ। आटे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। मैंने यहाँ एक बोल आटा लिया है, एक बोल शुगर और एक बोल देसी घी। हमें सबसे पहले शुगर को मेल्ट करना है, और शुगर को मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ एक बोल जैसे शुगर लिया है, तो मुझे यहाँ पे दो बोल वाटर लेकर इस शुगर को मेल्ट करना है। सिर्फ मेल्ट करना है, उसकी चाशनी नहीं बनानी है। मैंने यहाँ गैस पर पैन रख दिया है। मुझे सबसे पहले अपनी शुगर मेल्ट करनी है, उसके लिए मैं दो बोल वाटर डालूंगी। और इसमें शुगर डाल दूंगी। मुझे सिर्फ इसको मेल्ट करना है, मुझे इसकी चाशनी नहीं बनानी है। हलवा बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। ये थोड़ी सी वॉर्म हो जाएगी तो मैं इसमें देसी घी ऐड कर दूंगी। लेकिन इसमें देसी घी ज़्यादा ही डलेगा, बिकॉज हम गुरुद्वारे वाला कड़ा प्रसाद बना रहे हैं। तो आपने देखा होगा, जब भी हम गुरुद्वारा जाते हैं, तो जब भी हम वो प्रसाद लेते हैं, तो हमारे हाथ में बहुत सारा घी स्टिक करता है। अगर आप कम घी डालेंगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो हमारा घी मेल्ट हो गया है, और हम इसमें अब आटा ऐड कर देंगे। और इसको हमें बहुत हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है, इसलिए कुक नहीं करना है ताकि हमारा आटा एकदम से जल ना जाए। तो आपको इसको पेशेंस रखकर धीरे धीरे कुक करना है, ताकि वो ऑथेंटिक गुरुद्वारे के कड़ा जैसा प्रसाद का टेस्ट हमें आ सके। आप देख सकते हो आटे का कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब ये पक रहा है। तो अभी इसको पकाने के लिए अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे कुक करते रहेंगे। मेरा आटा पककर रेडी हो गया है। इसे कुक करने में मुझे 5-6 मिनट्स लगे हैं मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसमें चीनी वाला पानी ऐड करने वाली हूँ। धीरे धीरे इसको हमें अब कुक करना है। देख सकते हो इस तरह से ये रेडी हो रहा है। इसमें हमें कुछ भी इलायची पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कड़ा प्रसाद ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ना ही हम इसकी कोई गार्निशिंग करेंगे, बिकॉज इसका रियल एंड ऑथेंटिक टेस्ट ऐसे ही आएगा। देख सकते हो किस तरह से ये सिल्की स्मूथ लग रहा है, ऑलमोस्ट गुरुद्वारे की तरह। कड़ा प्रसाद हमारा भी रेडी हो गया है। इफ यू लाइक द रेसिपी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हैप्पी ईटिंग, हैप्पी गुरुपर्व।